हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस बार मैं आई हूँ लाजपत नगर फिर से, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली बार आई हूँ। और एंटर करते ही मुझे यहाँ बहुत सारी भीड़ नज़र आ गई है, बहुत अच्छा खासा क्राउड है, शायद इसी वजह से मार्केट बंद करवा दी थी। मार्केट की बाहर वाली साइड पर, रोड पर, जहाँ पर बहुत सारे मेहंदी वाले बैठते हैं एक ही लाइन पर, और ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाते हैं। नो डाउट और इस वाली रोड पर आपको जगह जगह ऐसे ज्वेलरी वाली स्टॉल्स बहुत सारे दिखेंगे, जो ये पार्टी वेयर ज्वेलरीज रखते हैं बहुत रीजनेबल प्राइसेस में। और देखिए इनके डिजाइंस कितने सुंदर है ना, और प्राइसेस भी इतने ही कम होंगे इनके। एंड गाइस, ये मार्केट शादी की शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी है और रीजनेबल भी है, और बहुत यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपको शायद कहीं और नहीं मिल पाएंगी। इस टाइम यहाँ पर कोई मेहंदी लगवा नहीं रहा, वरना मैं आपको वो भी दिखाती है कितनी सुंदर मेहंदी लगाते हैं यहाँ पर। इस मार्केट में भी इस बार ज़्यादातर वैरायटीज नाइट सूट्स की हैं, लगता है लोगों ने नाइट सूट ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। और बात हो अगर ज्वेलरी की, तो लाजपत नगर भी कुछ कम नहीं है, ऐसा शायद ही कुछ होगा जो यहाँ पर ना मिलता हो, और बाकी तो आपको दिख ही रहा होगा। और पार्क के अपोजिट साइड पर शॉप नंबर 86, शॉप का नाम है येल्लो, और यहाँ पर बैग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है, तो शायद ही आपको कहीं और मिले। थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते, लेकिन उनके अलावा इनके पास सेल में भी इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो ही इतने आपको सस्ते में मिल जाते हैं। को बैग्स की ही मिलेंगी, और ये देखो सामने 600 की सेल में बैग्स, कितने सही लग रहे थे। तो बैग्स की शॉपिंग के लिए आपको एक नहीं, यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत अच्छे बैग्स हैं, अच्छी खासी कलेक्शन है। तो यहाँ से बाहर आती है, सामने एक गार्डन है, और इसके बाहर एक छोले कुलचे वाला बैठता है भैया काफ़ी सालों से, और इनके छोले कुलचे बहुत टेस्टी होते हैं, कुछ खा भी लेते हैं हम। कितने की प्लेट है भैया? 60 रुपीज़ की एक प्लेट, जिसमें आपको 3 कुलचे मिलेंगे। और देखिए बटर मार के पूरा बना रहे हैं ये कुलचे, और छोले भी अच्छे खासे स्पाइसी होते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है इस टाइम, छोले कुलचे मिल जाए आउटसाइड में, इससे बढ़िया क्या ही होगा। तो ये एक प्लेट ले लिए मैंने अपने लिए। वैसे तो अगर मैं सच बताऊँ तो ये मुझे थोड़े से महंगे लगे, क्योंकि 60 रुपीज़ इतनी वर्थ नहीं होती इनकी, आपको कॉलोनी में 30-40 रुपये में मिल जाती है इसकी एक प्लेट, और बहुत अच्छे खासे होते हैं। बट कोई नहीं, अब तो ले लिए। और ये सामने देखिए नाइट सूट 400 की सेल में, काफ़ी सारे ऑप्शन थे इसमें भी, तो मुझे ये अच्छा सा लगा शर्ट के लुक में पजामे के साथ, 400 रुपये में क्या मारा है। तो जैसे मैंने कहा था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, ज्वेलरी, बैंगल्स, इयर रिंग्स, हर एक चीज़ बहुत यूनिक, बहुत अच्छी, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है यहाँ पर। जैसे इस बास्केट में जितने भी नेक पीसेज हैं, ये सामने 150 की रेंज में थे, और बहुत सही लग रहे थे यार। और ये वाले कड़े थे 150 का पेयर, और ये देखिए इयररिंग्स के कितने सुंदर लग रहे हैं ना यहाँ पर। और ये वाला एक मुझे बहुत पसंद आ गया था, इसका प्राइस था 150।
और ये कितना क्यूट सा बैग है ना, 400 में। तो ये मुझे दूर से देखकर लग रहा था कि ये गजरे हैं, लेकिन मैंने देखा ये तो रबर बैंड्स हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कलरफुल से। ड्रेस मार्केट में ह्यूज वैरायटी है डिज़ाइनर ब्लाउज़ की, मतलब आपको कैसा भी ब्लाउज़ चाहिए हो, कैसा भी कलर, आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा और सारे डिज़ाइनर पीसेज होंगे। और इसकी एक नहीं, काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी आपको। तो ये मैं आ गई हूँ पार्क के सामने वाली साइड में, अंदर एक मार्केट जा रही है जहाँ पर सूट्स की बहुत अच्छी कलेक्शंस हैं। ये मुझे एक सूट बहुत पसंद आ गया था जिसका प्राइस था 4000, नीचे स्कर्ट थी इसके। तो शादी की शॉपिंग के लिए ना यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर सूट्स लिए नॉर्मल पार्टी वियर बहुत अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर। प्राइसेस थोड़े से हाई हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर ऐसे वाले पीसेस, ऐसे वाले सूट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। लाजपत नगर फेमस है यहाँ पर शॉपिंग के लिए, स्पेशली शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट बहुत फेमस है। कुछ शॉप्स हैं जहाँ सेमी स्टिच सूट मिलते हैं यहाँ पर, और डिज़ाइनर सूट्स का फैब्रिक भी मिल जाता है यहाँ पर। और इस मार्केट की अपोजिट साइड वाली रोड पर यहाँ पर होम डेकोर की शॉप्स बहुत सारी हैं। तो इस शॉप में मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ें दिख रही थी, और ये वॉल हैंगिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका प्राइस था 2000 रुपीज़। मेटल में थी ये प्योर, और ये सामने मिरर मुझे ये भी बहुत पसंद आया, इसका प्राइस था 2600, जिसका आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, इनके पास सारे ऑप्शन हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस शॉप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इधर का एड्रेस पूरा आपको मेंशन कर दूंगी। ये कितने की है? और ये ट्रेज मुझे बहुत पसंद आती थी, इनके प्राइसेस थे 750, 700, 800 यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, और अब आगे चलते हैं। ये कुशन्स की बहुत अच्छी वैरायटीज थी यहाँ पर, 300 का एक कुशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। वापस अंदर की साइड चलते हैं मार्केट में। चांदनी चौक के बाद मैं लाजपत नगर ही प्रेफर करूंगी शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली शादी की शॉपिंग करने के लिए, पार्टीज़ की शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर बहुत ह्यूज कलेक्शन मिलेगी। सूट, साड़ी, लहंगा बहुत अच्छे मिलेंगे आपको यहाँ पर, इवन वन पीसेस, गाउन्स, सब कुछ बहुत यूनिक मिलेगा जो शायद ही आपने कहीं देखा भी हो। तो और रीज़नेबल भी है यार ये मार्केट, ऐसा नहीं कि ये लाजपत नगर है तो बहुत महंगा मिले यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स के जगह जगह भी आपको स्टॉल्स मिलते रहेंगे। और ये सामने बिल्डिंग है जहाँ पर रिसेंटली आग लगी थी, कितना बुरा हाल हो गया इस बिल्डिंग का। और पार्क के अपोजिट साइड पर एक लाइन है जिधर बहुत सारी शॉप्स हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, पार्टी वेयर ज्वेलरीज की। और ये देखिए यहाँ की कलेक्शन कितनी सुंदर है। और प्राइसेस की अगर बात करूँ तो ये रोड साइड स्टॉल्स के अकॉर्डिंग थोड़े से हाई हैं, लेकिन यहाँ की कलेक्शन थोड़ी उनसे डिफरेंट भी मिलेगी आपको, और काफ़ी यूनिक मिलेगी। शादी की शॉपिंग के लिए अगर आपको ब्राइडल ज्वेलरी भी चाहिए तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बेंगल्स, इयररिंग्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक एक कलर, आपको जो भी कलर चाहिए हो ये आपको कलर भी करके दे देंगे आपके अकॉर्डिंगली। गोटा पट्टी के लिए भी कितने अच्छे डिज़ाइन हैं यहाँ पर। और ये सामने ऑरेंज नेक पीस का मैंने प्राइस पूछा था, इसका प्राइस इन्होंने मुझे 13000 बताया था, जो नेगोशिएबल है। और ये वाली एक अलग लाइन है, यहाँ पर भी ज्वेलरीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ब्राइडल ज्वेलरीज़ के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ऊपर टीके टंग रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर।
किसी भी ओकेजन के लिए आपको कैसा भी कलर चाहिए हो, या आपको कस्टमाइज करके भी दे देते हैं ज्वेलरी। झुमकीज में मुझे बहुत अच्छे ऑप्शंस दिखे मुझे, और बहुत अट्रैक्टिव कलर्स थे। मतलब कुछ भी यहाँ पर चमक धमक गॉडी सा कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ बहुत डिसेंट से थे। और आपको किसी एक भी स्टॉल पे खड़े होकर कैसा नहीं लगेगा कि यार ये मैं कहाँ आ गई, कैसी देख ली। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नो डाउट, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ यूनिक ही दिखेगा। ये देखिए ब्राइडल पीसेस, इसका प्राइस ऊपर ग्रीन वाले का मैंने पूछा था, इसका 10,000 इन्होंने मुझे प्राइस बताया था, और ये सब नेगोशिएबल है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ये। यहाँ देखिए इस जगह पर मेहंदी लग रही है, देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं ये, और इतना टाइम भी नहीं लेते, बहुत बारीकी से बहुत अच्छी मेहंदी लगा देते हैं ये। और ये मार्केट की एंडिंग है जहाँ पर सूट्स के फैब्रिक आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कलर्स, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं एंड होता है, और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा।